नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज हुई 11 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कें होंगी चकाचक। बीपीएससी ने जारी की 2 परीक्षाओं की अहम जानकारी। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को देना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। बिहार के 3 आईएएस अफसरों को जांच आयुक्त का मिला अतिरिक्त प्रभार। चिराग ने पार्टी के लिए लड़ाई जारी रखने की कही बात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने जारी की 2 परीक्षाओं की अहम जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इंटरव्यू स्केड्यूल जारी कर दिया है, जो कि 2 अगस्त से 18 अगस्त तक रहेगा, जिसके तहत अब मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इंटरव्यू का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने साल 2019 की असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षाओं की नई तारीख जारी कर दी है, जिसके तहत अब इस परीक्षा का आयोजन 24 और 25 सितंबर को किया जाएगा। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की भर्ती परीक्षा 26 सितंबर और 27 सितंबर को आयोजित होगी। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह हुआ जारी। आयोग की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों को सिंबल जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए 36 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव के लिए 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशियों के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। पंच पद के प्रत्याशी 10 चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सरपंच पद के प्रत्याशी के लिए 21 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 10 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। इसके साथ राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिहार पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं होगा। ऐसे में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकृत सिंबल पंचायत चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के आश्रितों को टीचर के अलावा मिलेगी दूसरी जॉब भी। बिहार में शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी के गुजर जाने के बाद जान गंवाने वालों के आश्रितों को योग्यता के आधार पर टीचर के अलावा दूसरी जॉब का ऑफर भी दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब ऐसे शिक्षकों के आश्रित विद्यालय सहायक या परिचारी भी बन सकते हैं। ध्यान रहे, यह नई योजना ऐसे शिक्षकों के लिए है जिनकी 1 जुलाई 2006 के बाद सेवाकाल में शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी की जान गई हो। शिक्षकों के आश्रितों और उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षक विद्यालय सहायक या परिचारी बन सकते हैं। इसके लिए शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी जिस विद्यालय में कार्यरत थे, वो नियोजन के लिए उनके आश्रित संबंधित डीईओ के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। आज विश्व भर में मनाया जाएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 मनाया जा रहा है। इस बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 की नई थीम है अधिकार और विकल्प उत्तर है। चाहे बेबी बूम हो या फिर बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। इसको लेकर बिहार में भी कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। वहीं बीते दिन कुछ जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 1989 में यूनाइटेड नेशन की आमसभा में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। अगर हम जिलावार मौसम का हाल जाने तो वेस्ट चंपारण, सिवान, सारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया में भी अधिकांश हिस्सों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर जारी किया गया है। वहीं नालंदा, पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा में भी कुछ जगहों पर बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और जमुई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नवादा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। भारतीय डाक विभाग ने आमजनों के घर घर तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिसके तहत ही इस बार डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार के नवादा शाखा ने पूरे भारत में बेहतरीन काम करके नया कीर्तिमान हासिल किया है, जिसके तहत पूरे भारत में नवादा शाखा बेहतर प्रदर्शन करके उभरा है। जिसके बाद डाक महाध्यक्ष ने नवादा मंडल और बैंक शाखा नवादा की इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देशवासियों को नगद निकासी के लिए हो रहे परेशानियों को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने एईपीएस के द्वारा लोगों को भुगतान की व्यवस्था शुरू की थी। पंचायत चुनाव में
उम्मीदवारों को देना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन होने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार समेत पूरे देश में कोरोना की परिस्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में चुनाव के आयोजन के समय में कोरोना के नियमों का पालन हो, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव का हिस्सा बनने वाले सभी उम्मीदवारों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही ये भी साफ किया गया है कि बार बार दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद जिन भी लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, तो वैसे उम्मीदवारों को जरूरत पड़ने पर चुनाव से वंचित भी किया जा सकता है। आज बिहारी पोथरे स्पेशल पे हम बात करेंगे शिवनाथ सिंह की। शिवनाथ सिंह का जन्म आज ही के दिन बिहार के बक्सर जिले के मझरिया में साल 1946 को हुआ था। शिवनाथ सिंह उन कुछ महान लंबी दूरी के धावकों में से एक थे जिन्हें भारत ने बनाया है। सिंह ने दो बार एशियाई खेलों में और दो बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1976 और 1980 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लंबी बीमारी के बाद 6 जून 2003 को भारत के जमशेदपुर में उनका निधन हो गया। उनके पास अभी भी मैराथन के लिए भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 1978 में बनाया था। को अब हर साल मिलेगी 10 सरप्राइज लीव। बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब जो भी बैंकर्स संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे बैंकर्स जो ट्रेजरी ऑपरेशन, करेंसी चेस्ट, रिस्क मॉडलिंग, मॉडल वैलिडेशन जैसे सेक्शन में काम करते हैं, उन्हें हर साल कम से कम 10 दिन की सरप्राइज लीव यानी कि बिना बताए छुट्टी दी जाएगी। हालांकि ध्यान रहे, आरबीआई का यह नियम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अलावा रूरल डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होगा। इतना ही नहीं, इस नियम के साथ ही संवेदनशील पदों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की जाएगी, जिन्हें हर साल मैंडेटरी लीव के तहत 10 दिन की छुट्टी आकस्मिक दी जाएगी। 26 जुलाई से चलेगी कटिहार अमृतसर कटिहार विशेष गाड़ी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 26 जुलाई से कटिहार अमृतसर कटिहार विशेष गाड़ी को चलाने का निर्णय लिया है, जिसकी पूरी जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार यह ट्रेन कटिहार से 26 जुलाई से और अमृतसर से 29 जुलाई से अगली सूचना तक हर दिन चलाई जाएगी। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कटिहार अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस गाड़ी के मार्ग एवं समय पर चलाई जाएगी। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इनमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। मनजीत सिंह की फिर से हुई घर वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बैकुंठपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले मनजीत सिंह ने अब जदयू का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, मनजीत सिंह ने अपने साथ कई और समर्थकों को भी बीते दिन पार्टी में शामिल कर लिया, जहां मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद ललन सिंह, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री सुनील कुमार, जय कुमार सिंह, संजय कुमार, नीरज कुमार, निखिल मंडल के साथ कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मनजीत सिंह को जदयू में लाने में अहम भूमिका निभाने वाली लेसी सिंह ने कहा कि मनजीत सिंह हमारे पुराने साथी है, पार्टी उनका स्वागत करती है। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा कि मनजीत सिंह के आने से पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। शाहनवाज हुसैन ने बिहार में 147 औद्योगिक इकाइयों की जल्द ही स्थापना करने की कही बात। बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में इथेनॉल उद्योग के लिए 147 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने का ऐलान किया है। ज्ञात हो, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इथेनॉल उत्पादन पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसके बाद से ही बिहार में निवेशकों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। इसी कड़ी में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च होने के बाद काफी संख्या में निवेशक बिहार आ रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद 33,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। बिहार में इथेनॉल उद्योग के लिए कुल मिलाकर 30,008.45 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए स्टेज वन का क्लियरेंस भी दे दिया गया है। बिहार के 3 आईएएस अफसरों को जांच आयुक्त का मिला अतिरिक्त प्रभार। बीते दिन बिहार के 3 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार ने 3 अधिकारियों को अगले आदेश तक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सूचना प्रावैधिक विभाग के सचिव संतोष कुमार मल्ल और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सचिव सफीना एएन को जांच आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है। दरभंगा प्रमंडल के कमिश्नर के सचिव दुर्गानंद झा को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। वहीं पटना नगर निगम के नगर आयुक्त देवेंद्र प्रसाद तिवारी को दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त का सचिव पद पर पदस्थापित किया गया है। कई शहरों के लिए स्पाइसजेट शुरू करने वाली है सेवा। विमान से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब स्पाइसजेट ने कई शहरों के लिए विमान सेवा शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत दिल्ली पटना दिल्ली फ्लाइट 13 जुलाई से हर दिन उड़ान भरने वाली है। इसके साथ ही स्पाइसजेट के विमान कोलकाता पटना सूरत 16 जुलाई से सप्ताह में सोमवार बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरने वाली है। इसके साथ ही बैंगलोर पटना बैंगलोर 17 जुलाई से मंगलवार गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। ज्ञात हो, कोरोना की दूसरी लहर के कारण इन सभी विमानों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिहार में नहीं मिला
डेल्टा प्लस का एक भी वेरिएंट, मगर विभाग अभी भी सख्त। यह बात बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में डगमगाई स्वास्थ्य व्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट के गूंज के बीच बिहार में भी सतर्कता के साथ स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि फिलहाल बिहार में एक भी मामला डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरे राज्यों को देखकर बिहार भी अलर्ट मोड में है। आपको बता दें, डेल्टा प्लस जांच के लिए वैसे कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जिनकी सिटी वैल्यू 25 से नीचे थी। भुवनेश्वर भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट मिल गई है, इनमें कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की दिशा में लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। बिहार में 117 नगर पंचायत और नगर परिषद को क्रियाशील करने की प्रक्रिया हुई तेज। बिहार में बीते दिन से नवगठित 117 नगर पंचायत और नगर परिषद की क्रियाशील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सभी के लिए चुनाव का आयोजन अगले साल करवाया जाना है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही सभी नगर निकायों को पूरी तरह से आकार देने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। इनमें वार्ड के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और यह जल्द ही गठित भी कर ली जाएगी, जिसके बाद अगले 2 महीने से इसकी प्रक्रिया संपन्न होने की संभावना जताई जा रही है। वार्डों के गठन के संभावित काम संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया जाएगा। इसके बाद डीएम के स्तर से होते हुए यह विभाग के पास अंतिम मंजूरी के लिए आएगा। बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कें होंगी चकाचक। बिहार में सड़कों को चकाचक करने की योजना में केंद्र सरकार ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत अब बिहार के 5 जिलों में 7 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर बेहतर बनाने के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने करीब 1,95,00,00,000 रूपये की मंजूरी दे दी है। इसमें सीतामढ़ी, वैशाली, मोतिहारी, पूर्णिया और दरभंगा का नाम शामिल है, जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से मंत्री नितिन नवीन ने संबंधित पदाधिकारियों को तय समय पर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निविदा समिति के सभी निर्णय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। चुनाव में पार्टी के लिए लड़ाई जारी रखने की कही बात। पार्टी पर अधिकार को लेकर आपस में भिड़े चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच चाचा के सामने भतीजे चिराग का कुनबा कमजोर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद चिराग की आगे की लड़ाई और ज्यादा मुश्किल हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भी चिराग ने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वो कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां मैं साफ करना चाहता हूं कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी। लोजपा को मेरे पिता ने अपने खून पसीने से खड़ा किया है, किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो उनकी मेहनत को इस तरह से किसी की गोद में बैठकर यूं बर्बाद करे। इसके साथ ही बीते दिन दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने बिहार में एनडीए में टूट का दावा भी किया है। तेजस्वी यादव ने इतिहास के पन्नों में ऐसे नेताओं को माफी नहीं मिलने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन अपने बयान के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सभी विपक्षी दलों को अपने सारे अहंकार मतभेद भूलकर भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसको लेकर उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में होने वाले विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए कांग्रेस को आधार बनाना होगा। जनता काफी ज्यादा दुख में है, वो चाहती है कि केंद्र की सरकार जल्द से जल्द गिरे, क्योंकि भाजपा ने जब से सत्ता संभाली है तब से नफरत बांटने की राजनीति की है और जनता से किया गया वादा भी पूरा नहीं किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने की बिहार यात्रा की शुरुआत। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन अपने आप बिहार यात्रा शुरू कर दिया है, जिसके तहत कुशवाहा बिहार में जदयू के कुनबे को मजबूत करने की पहल में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने बिहार यात्रा की शुरुआत बीते दिन बगहा के वाल्मीकि नगर से की है। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वे समता पार्टी के समय से पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और हमेशा एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बगहा से शुरू हुई यात्रा बिहार के सभी जिलों में होगी और वे प्रत्येक जिले में एक दिवसीय प्रवास के दौरान पार्टी की मजबूती को लेकर काम करेंगे। आगामी चुनाव के पूर्व जदयू एक मर्तबा फिर बिहार की बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी। तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को बताया राजद का प्रदेश अध्यक्ष। राजद कुनबे से अचानक ऐसी खबर आने लगी थी कि तेज प्रताप यादव से नाराज होकर जगदानंद बाबू ने अपना इस्तीफा थमा दिया है। हालांकि समय रहते जगदानंद सिंह ने भी इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया था। वहीं अब तेज प्रताप यादव ने सामने आकर इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत तेज प्रताप यादव ने हसनपुर रवाना होने के साथ ही अपना बयान जारी किया है और कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही है। उनको लेकर हमने पिताजी लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत की थी। जब उनसे पूछा गया कि आपसे वो नाराज है तो उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं कि हमसे नाराजगी होगी। जगदानंद सिंह को कोई नाराजगी नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट
में हो रही गड़बड़ी का आप कर सकेंगे सुधार। इन दिनों कोरोना से बचाव के लिए लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, टीका लेने के बाद लोगों के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ऐसी कई शिकायतें सामने आई है जिसमें सर्टिफिकेट में गड़बड़ी होने की बात कही गई है, जिसके लिए अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके तहत सबसे पहले आप selfregistration.covin.gov.in पर जाए और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर गेट ओटीपी का बटन दबाए। मोबाइल फोन पर आए ओटीपी टाइप कर वेरीफाई एंड प्रोसीड को क्लिक करें। इसके बाद रेज एंड इश्यू पर क्लिक करें और उपलब्ध विकल्प में से एक का चयन करें। अपनी आवश्यकता के अनुसार वांछित सुधार हेतु मौजूदा विकल्प का चयन करें एवं सुधार की प्रक्रिया पूरी करें, जिसके बाद आप अपनी गड़बड़ी को आसानी से सुधार सकेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल 1889 में बना। चर्चित चित्रकार एमएफ हुसैन ने 2007 में न्यूयॉर्क की कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में आज ही के दिन हिस्सा लिया था। भारतीय फिल्म अभिनेता कुमार गौरव का जन्म 1960 में आज ही के दिन हुआ। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खान का निधन 1957 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय लेखक भीष्म साहनी का निधन 2003 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हरभजन सिंह के घर आया नन्हा मेहमान। भारतीय टीम के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह के घर एक नन्हा मेहमान आ गया है। हरभजन सिंह ने अभिता बसरा से 29 अक्टूबर 2015 को शादी की थी। फिर 2016 में उनको एक बेटी भी हुई थी। बीते 3 जुलाई को हरभजन ने अपना 41वां जन्मदिन भी मनाया था। अब उनके घर लड़का हुआ है, इसकी जानकारी खुद हरभजन सिंह ने ट्वीट करके दी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,810 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,810 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,300 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.69 रुपए प्रति लीटर, इसके साथ ही डीजल की कीमत 95.94 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अंकित कुमार, कुंदन कुमार, एनके मुन्ना म्यूजिक, मिथिलेश कुमार, रोशन राज, ललित कुमार, पूजा अग्रवाल, अरविंद साह, आदर्श अनुज, मंटेश कुमार, उजित कुमार सिंह, निधि गुप्ता, दिनेश मुखिया, रुपेश कुमार, धर्मेंद्र रजा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।